नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार। आज मैं आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में बताने जा रहा हूँ। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आंख के पर्दे की बीमारी है, जिसमें कि आंख के पर्दे में जो सेंसरी सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन, उनकी डिफिशियंसी होने लगती है। कोन जो होती है वो सेल हमें कलर विजन में हेल्प करती है, और रॉड जो है वो हमें देखने में भी हेल्प करती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक जेनेटिक बीमारी है, तो अभी तक इसका एक अच्छा इलाज अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के, उनका हम लोग पर्दा का जांच करते हैं, तो पर्दा में बहुत सारा ब्लैक स्पॉट्स दिखता है, और जब उनका फील्ड विजन करते हैं तो फील्ड ऑफ विजन उनका कम हो जाता है, मतलब कि जो फील्ड है वो सिकुड़ जाता है, और ग्रेजुअली ऐसा होता है, धीरे धीरे फील्ड ऑफ विजन का लॉस होता है। और उनका एक और टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, ERG। रात में देखने में दिक्कत होती है, इसलिए इसे हम लोग रतौंधी बोलते हैं। सिम्टम इसका ये है कि फील्ड ऑफ विजन इसका चला जाता है, और धीरे धीरे जब विजन बिल्कुल सिकुड़ जाता है तो सेंट्रल विजन में चला जाता है। वैसे भी नॉर्मल विजन इनका कम ही होता है, दूर देखने में दिक्कत होती है। और इन पेशेंट्स का जेनेटिक टेस्टिंग भी हम लोग करते हैं डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करने के लिए। इन लोगों में मैकुलर एडिमा हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स को जब मैकुलर एडिमा होता है तो उसके लिए हम लोग दवा वगैरह देते हैं या आँख में इंजेक्शन भी देते हैं। कलर विजन प्रॉब्लम होता है जब कोन सेल्स चले जाते हैं तो, और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव डिजीज है, इसलिए धीरे धीरे सारे सेल्स का डैमेज होने लग जाता है। इसके ट्रीटमेंट अभी कोई डेफिनेट है नहीं, कोई अच्छी ट्रीटमेंट इसकी आई नहीं है जिसे कि आप इसको क्योर कर सकते हैं, और एक प्रोग्रेसिव डिजीज है तो धीरे धीरे आँख की रोशनी चली जाती है। बट हम लोग होपफुल हैं कि जल्द से जल्द इसके लिए अच्छी ट्रीटमेंट आ जाएगी।